वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम बच्चों के लिए, नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए फाइला स्टार्ट किया था, जो स्पेशल क्लास चल रही है, आज वही स्पेशल क्लास है। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को एक मोटिवेशन मैसेज देते हैं, और आज का मोटिवेशन मैसेज ये है कि आप बच्चों हमेशा सीखने का प्रयास करिए। छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। कहते हैं कि जीवन सीखने का क्रम होता है, इसलिए आप प्रत्येक पल से सीखने का प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़िए। अगर आज की पाठशाला की हम बात करें तो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए, दिस इज अ स्पेशल क्लास फॉर नाइन्थ क्लास, ठीक, नाइन्थ क्लास स्टूडेंट। और आज का टॉपिक है सिलेंट्रेटा, ठीक। हमें फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये होता है सी और ये होता है इंटेरॉन। अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें, हम कहते हैं साइंस से सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज है तो उसका फंडामेंटल फैक्ट होता है। तभी हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी को हमेशा साथ में लेकर चलते हैं। सील का मतलब क्या होती है? खोखली गुहा, एक खोखली गुहा। इंटेरॉन का मतलब क्या होता है? आंत, ठीक, या इंटेस्टाइन। यानी कि सिलेंट्रॉन या सिलेंट्रेटा संघ के जो एनिमल होंगे उनमें क्या हो, एक सिलेंट्रॉन कैविटी होगी, ठीक, एक खोखली गुहा होगी, ठीक, इसलिए इसे सिलेंट्रॉन कहते हैं। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखने की बात करते हैं। चलिए अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बेटा ये होते हैं एक्वेटिक, ठीक है। ये कैसे होते हैं एक्वेटिक? देखिए फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, मूलभूत लक्षण जो है इसके, देखिए सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये होता है कि एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है। पोखर हो गया, नदी हो गई, ठीक, आदि स्थान पर क्या करेंगे, पाए जाएंगे। अगर उसके हम दूसरी बात करें, अगर हम मल्टी सेलुलरिटी, इधर थोड़ा देखिए, अगर हम मल्टी सेलुलरिटी की बात करें, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलरिटी? व्हेन द सेल शोज ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स और ए टिश्यू और ए ऑर्गन, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज मल्टी सेलुलरिटी। अगर कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है और वो सारी टिश्यू भी शो कर रहा है, ऑर्गेन सिस्टम सब कुछ शो कर रहा है, तो वो मल्टी सेलुलरिटी को, कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को शो करता है। अगर हम मल्टी सेलुलरिटी या बहुकोशिकीयता की बात करें तो मल्टी सेलुलरिटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है सबसे पहले सेल से टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? टिश्यू। फिर टिश्यू से क्या बनते हैं? देखिए पूरा अगर हम बताएं तो सेल से टिश्यू, ठीक, टिश्यू से क्या बनेंगे? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेंगे? सिस्टम। और सिस्टम से क्या बनते हैं? बॉडी, ठीक है। और सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है कि टिश्यू का निर्माण या ऊतक का निर्माण हो जाता है, यानी कि ऊतक डेवलपमेंट यानी कि विकास पाया जाता है, कुछ भी ले सकते हैं, पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और एनिमल इज शो द डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इट इज अ डिप्लोब्लास्टिक, ठीक, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनमें जो बाहरी त्वचा स्तर होता है वो एक्टोडर्म, और भीतरी जो त्वचा स्तर होता है बेटा, त्वचा स्तर होता है, दैट पर्टिकुलर डर्म इज नोन एज एंडोडर्म, ठीक है, ठीक।
और इनके बीच एक अकोशिक स्तर पाया जाता है, इनके बीच एक अकोशिक स्तर पाया जाता है। दैट पर्टिकुलर अकोशिक स्तर ए माइटोटिक लेयर इज नोन एज मेसोगेलिया, मेसोगेलिया, ठीक, मेसोगेलिया होते हैं। ठीक, फिर इनमें क्या होती है, दंश कोशिकाएं होती हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव में आता है कि दंश कोशिकाएं किस संघ के प्राणी में पाई जाती है, तो इसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक, जिसे नीमेटोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीमेटोब्लास्ट बोलते हैं। ये क्या करती है, जो भी शिकारी होता है या किसी किसी को से पकड़ना है किसी एनिमल को, ठीक है, फीडिंग के लिए, तो ये क्या करते हैं, फीडिंग के लिए, भोजन के लिए दंश कोशिकाओं से अटैक करते हैं, ठीक है, ठीक, दंश कोशिकाओं से अटैक करते हैं, तो शिकार के लिए ये काम करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका जो मुख होता है, बेटा, उसमें क्या पाए जाते हैं, कई सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, या संवेदिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, तो कई सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम पर्टिकुलर हाइड्रा की बात करें तो मेरे हिसाब से 5 से 7 टेंटिकल्स इसमें पाए जाते हैं। और इस मुख को बेटा हम लोग जो पूरा मुख का रीजन होता है, डेट पर्टिकुलर माउथ पार्ट और मॉट रीजन इज रोज एज हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है, ठीक। अगर इनके एकांतरण की बात की जाए, तो जीवन के या जीवन में बेलनाकार पॉलिप होता है बेटा, क्या होता है, पॉलिप, और छाते के आकार का मेड्यूसा एकांतरण होता है, ठीक है, मेड्यूसा एकांतरण होता है, ठीक। तो दो फॉर्म होते हैं इसके, अल्टरनेशन और जनरेशन के लिए। एक क्या होगा, जीवन में बेलनाकार पॉलिप या सिलेंड्रिकल क्या होगा, पॉलिप होगा, या एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर मेड्यूसा होगा, ठीक है, इसलिए क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए होता है, ठीक है, या डेवलपमेंट ऑफ लार्वल के लिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके बाद इनमें देखिए, जैसे अब बाकी सारी चीजें हो गई है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले आएगा सी एनीमून, ठीक, फिर आएगा ऑरेलिया, ठीक, ठीक, मूंगा, कोरल लीफ, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो हाइड्रा भी आता है बेटा, ठीक, जेली फिश भी आती है, ठीक। तो इतने इसके एग्जांपल होते हैं, और भी होते हैं बेटा, तो सी एनीमोन हो गया, ऑरेलिया हो गया, कोरल लीफ हो गया, हाइड्रा हो गया, जेली फिश हो गया, दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ द सिलेंट्रेटा फाइलम, ठीक है, सिलेंट्रेटा फाइलम के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें, चलिए थोड़ा सा फोकस करिए स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए हम हाइड्रा का स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसमें कई सारी क्या होती हैं, संवेदिकाएं होती हैं या टेंटिकल्स होते हैं, लगभग 5 से 7 आपको मिलेंगे, ठीक है, थोड़े से आपको बना लेने होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, संवेदिकाएं या टेंटिकल्स, ठीक, ठीक, ये इसका मुख होता है, ठीक, इसके नीचे हाइपोस्टोम होता है, ठीक, ये इसका पूरा बॉडी होता है, क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है, ये इसका अंडाशय होता है, ठीक है बेटा, और ये इसका बेटा चित्र होता है, ठीक, ये इसका चित्र होता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ क्या होते हैं, फंडामेंटल करेक्टर होते हैं,
कि नदी पोखर झील तालाब में पाए जाएंगे। ऊतक का विकास इसमें पाया जाता है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, भीतरी त्वचा एंडोडर्म होती है, उनके बीच में मेसोगेलिया पाया जाता है। दंश कोशिकाएं पाई जाएंगी किस लिए? शिकार को पकड़ने के लिए या फीडिंग के लिए दंश कोशिकाएं पाई जाती है। मुख क्या होते हैं? मुख में कई सारी संवेदिकाएं होंगी, टेंटिकल्स होंगे, और मुख का जो पूरा रीजन होता है डेट पर्टिकुलर हाइपोस्टोम उसे बोलते हैं। जीवन में जो इनका एकांतरण होता है उस स्टेज में पॉलिप और मेड्यूसा दो पाए जाते हैं। ये जो पॉलिप होता है ये बेलनाकार या सिलेंड्रिकल होता है, और मेड्यूसा कैसा होता है? अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल क्या है? सी एनीमोन, ऑरेलिया, मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक। और ये इसका स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, इसमें सबसे ऊपर 5 से 7 टेंटिकल्स होते हैं। ये बेसिकली सेंसरी इनका काम होता है, सेंस रिलेटेड होते हैं। ये इसका मुख पाया जाता है, इसके नीचे ही मुख का ही रीजन हाइपोस्टोम होता है, ये पार्ट होता है डैट पर्टिकुलर पार्टिसन डैश है, ये इसकी पूरी बॉडी होती है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ सिलेंटेटा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है। 9th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हम आपको बता दें, आपसे पूछा जाएगा कि दंश कोशिकाएं किस प्राणी में पाई जाती हैं, या आपसे पूछा जाएगा दंश कोशिकाएं किस प्राणी में पाई जाती है या किस संघ से संबंधित है। तो आप एग्जांपल याद रखेंगे, सब में पाया जाएगा, ठीक। तो आप सिलेंटेटा याद रखेंगे, एग्जांपल याद रखें, सिलेंटेटा याद रखें। आपसे पूछा जाएगा हाइड्रा का चित्र बनाइए, उसका फंडामेंटल कैरेक्टर लिखिए, तो आप हाइड्रा का चित्र बना दीजिएगा, उसके फंडामेंटल फैक्ट को लिख दीजिएगा। तो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में हम 12th क्लास का पूरा जो सिंड्रोम हमें पढ़ाना है वो कल देखेंगे। तो अगर बच्चों आज की पाठशाला पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रणाम।